بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى मोहतरम हजरा और खुवा इस्लाम कोविड नाइन्टीन के वजह से लॉकडाउन की ये जो मुद्दत दराज से दराज होती जा रही है वक्फ वक्फे के बाद ये मुद्दत जिस तरह बढ़ाई जा रही है इसी दौरान माह रमजान भी शुरू हो चुका अल्लाह तला ने हम और आपको जितनी तोफीक दी है उसका फजलो करम है कि हम अपने अपने तौर पर अपने घरों में अपनी इबादतों को अंजाम देते आ रहे हैं दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी और आपकी इन टूटी फूटी इबादतों को अपने फजलो करम से कबूल फरमा लेजर और खुवान के सामने एक मसले के हवाले से गुफ्तु करनी जरूरी समझ रहा हूं और वो मसला है जिसका चर्चा सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा है और लोगों के सामने उस मसले को लेकर मुतजाद किस्म के ख्याल पेश किए जा रहे हैं और वो मसला है ईद की खरीदारी का ईद के लिए शॉपिंग करने का देखिए यहां एक बात हम और आपको याद रखनी चाहिए कि ईद मुसलमानों के शायर में से है और अल्लाह ने अगर इस्तात दी है मौका दिया है तो इस ईद में भरपूर तरीके से शिरकत करना चाहे ईदगाह निकलने का मसला हो ईदगाह में जाके नमाज पढ़ना हो और अल्लाह ताला की तोफीक के मुताबिक बेहतर से बेहतर कपड़े जरूरी नहीं कि नया हो लेकिन मौजूद कपड़ों में से बेहतर से बेहतर कपड़ा और अगर अल्लाह ने इस्तात दी है तो नया कपड़ा और अच्छा खाना पीना लोगों को खिलाना ये सारी चीजें इस अजीम ईद की मुनासबत से करना यह अहल इस्लाम की आलामात में से है और अल्लाह तला के शायर का हक अदा करने उनकी तादीम करने का एक पहलू है लेकिन अब की बार हमारे और आपके सामने जैसी सूरत हाल है फिलवक जब हम ये गुफ्तु कर रहे हैं लॉकडाउन सत्रह तारीख तक ही है उसके बाद पता नहीं और बढ़ेगा कि नहीं ईद तो यकीन सत्रह के बाद ही आने वाली है अब यहां हमारे सामने दो अलग अलग मसले हैं, चाहे लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ाकर ईद के दिन तक या उसके बाद तक ले जाया जाए या लॉकडाउन की मुद्दत को सतरा पे रोक कर छूट दे दी जाए दोनों ही सूरतों में हमारे सामने ईद की खरीदारी के हवाले से अलग अलग किस्म की बातें आ रही हैं। इनमें सबसे पहली बात ये आ रही है कि हमारे अपने कुछ भाइयों का मानना यह है कि इस लॉकडाउन में छूट जो दी जा रही है ईद की मुनासबत से इसके पीछे मकसद ये है कि मुसलमानों के माल से गैरों का फायदा हो जाए इसलिए बाय की कुछ लोग दावत देते नजर आ रहे हम ये बात कहना चाहेंगे कि ऐसी किसी मुनासबत में जबकि हालात मुल्क के तरह तरह के मसाइल में हम घिरे हुए हैं ऐसे हालात में हम बस यही कहना चाहेंगे कि अपनी पसंद से अपनी मर्जी से व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आम कर देना और हर आदमी का अपनी तरफ से किसी मैसेज को पसंद करके वायरल कर देना किसी भी मैसेज के मुस्बत और मनफी यानी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव जो असरात हो सकते हैं इफेक्ट्स हो सकते हैं उनको सोचे समझे बगैर सिर्फ तस्वीर का एक रुख देख कर बाइकाट की दावत देना या किसी भी किस्म की इस किस्म की खबरें आम करना ये कत मुनासिब नहीं है ये सारे मसाइल कम्युनिटी लेवल पे डिसीशन लेने के होते हैं इसमें इंफिरादी तौर पर इस किस्म का कोई फैसला लेना दुरुस्त नहीं होगा दूसरी तरफ ये बात भी हम बताना चाहेंगे कि आप इस पहलू से भी देखें कि आज आप बाइकाट करने की बात कर रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही काम है जो दूसरे चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी बकिया मुल्क की कम्युनिटी से जुदा हो जाए ये चाहने वाले शरपसंद चंद हैं जबकि यहाँ की आवाम की एक बड़ी तादाद आज भी आपके साथ खड़ी हुई है बैकाट की इस दावत से कहीं हम और आप उनको तो ताकत नहीं पहुंचा रहे इस पहलू से भी मसले पर गौर करने की जरूरत है और एक पहलू यह भी आपके सामने लाना चाहूंगा कि मुल्क के तूल और अर्ज में सूबों के एतबार से इलाकों और शहरों के एतबार से मुख्तलिफ किस्म की तजारतों पर मुख्तलिफ बरदरियों का कब्जा है कई जगह पर यही तिजारत बहुत सारे मुसलमानों की रोजी रोटी का भी जरिया है आपकी इस किस्म के बैकाट की दावत से वो भी मुतासर होंगे इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि इस किस्म की कोई दावत देते हुए या देने से पहले या बाद में कोशिश ये की जाए कि सोशल मीडिया पे हर कोई अपनी तरफ से आगे मैसेज देने के बजाय कम्युनिटी लेवल पर इस सिलसिले में कोई काम हो और जो मुनासिब समझा जाए वो इकदाम किया जाए जिस तरह जालिम कानून के खिलाफ मुसलमानों ने इज्तिमाही शक्ल में एक आवाज एक मौकफ अपनाया वैसा कोई मामला हो तो हो वरना इस किस्म की आवाज अल्लाह न करे वक्ती तौर पर फायदा पहुंचाए तो भी बाद में जाके नुकसान पहुंचा सकती है हम इस सिलसिले में आपको कोई हतमी राय नहीं दे रहे हैं लेकिन यह जरूर कह रहे हैं कि जिस तरह की जल्दबाजी और व्हाट्सएप पर इधर से उधर ऑडियो और वीडियो की शक्ल में मैसेजेस फैलाए जा रहे हैं उसको देखकर तशवीश होती है हम समाज के जिम्मेदारों से अपील करते हैं कि इस मसले पर वक्से पहले नजर रखकर काबू पाने की कोशिश करें दूसरी बात जो इस हवाले से करनी है वो ये कि बहुत सारे हदरात ये मशवरा दे रहे हैं कि लॉकडाउन ओपन हो भी जाए तो फिर मुसलमानों को चाहिए कि अब की बार ईद में खरीदारी ना करें क्यों ना करें का इसलिए ना करें कि अब लॉकडाउन खुलने के बाद मुसलमान जब खरीदारी के लिए निकलेंगे तो होगा ये कि भीड़ भाड़ होगी और ये लोग जो पहले ही से जिसकी इस मर्ज के फैलने के असबाब इस कदर जी हुकूमत की इब्तदाई ला लापरवाही और खुद बरसर इकतदार तबके से जुड़े वुज़रा और मुख्तलिफ सूबों के वजाराय आला की तरफ से बद एहती क्या कुछ नहीं हुआ सब जानते हैं लेकिन इस सब के बावजूद ये जालिमाना रविश अपनाई गई कि सारा इल्जाम तबलीगी जमात के बाद हजरात के सर मूड दिया गया और उनके वास्ते से पूरी मुस्लिम कौम को मुत्तहम किया गया अब इस वक्त सख्त खतरा महसूस किया जा रहा है कि लॉकडाउन ओपन कर भी दिया जाए या लॉकडाउन में छूट दी जाए दोनों ही सूरतों में बीमारी का तो खातिमा नहीं हुआ है ऐसी सूरत में मुसलमानों का निकलना ये मुसलमानों की बदनामी का बाइस बन सकता है हम ये कहना चाहेंगे यहां पर कि आप याद रखें एक तरफ तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि लॉकडाउन खत्म हो भी जाए लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का यह मामला बीमारी के खातिमे तक चलता है तो आपको और हमको एहतियात करनी चाहिए इंतहाई जरूरत की कोई चीज हो तो सिर्फ वो खरीदने के लिए घर का मर्द एक आदमी दिन के किसी वक्त जाए और भीड़ भाड़ किए बिना खरीद कर वापस आ जाए ये जो पॉलिसी है ईद की खरीदारी चाहे वो आपके कपड़ों की खरीदारी हो चाहे वो आपके अपने घर की जो ईद की जरूरतें होती हैं खाने पीने की जरूरतें वो दोनों ही दोनों के खरीद खरीदारी में इसी पॉलिसी को अपनाया जाए बिलखसूस हमारी खवतान का इन हालात में निकल कर जाना कत मुनासिब नहीं है। याद रखें ईद के लिए नए कपड़े होना जरूरी नहीं ईद के लिए आपके पास मौजूद कपड़ों में से बेहतर कपड़ों का पहनकर जाना यह सुन्नत है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज आप सिर्फ नए कपड़े के चक्कर में बाहर निकलेंगे और बीमारी वाकयाता अगर फैल गई तो आप अल्लाह ताला की नजर में एक इंतहाई गलत काम कर रहे हैं जो जायज नहीं है और दूसरी तरफ इसका पहलू यह भी है कि बीमारी ना फैले लेकिन आपकी भीड़ भाड़ की वजह से दुकानों में आपके इकट्ठा होने की वजह से बाजारों में आपके इकट्ठा होने की वजह से अगर मुसलमानों पर इस्लाम पर बदनामी का धब्बा लगता है तो फिर यह आपके लिए जायज नहीं। मैंने आप हजरा के सामने जो आयत करीमा पढ़ी उसमें अल्लाह वल वन गुनाह और जुल्म और जबरदस्ती के मामला में तुम मददगार न बनो कुछ जालिम ये जुल्म करना चाहते हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी मुस्लिम समाज को मुत्तहम करें अगर आप में से कोई ऐसे किसी मौके पे निकल कर जाता है और उनकी ताईद करने का सबब बन जाता है तो वो एक तरह से जुल्म की इस रविश में जुल्म के इस रवैये में आप अपना हिस्सा देने वाले शुमार कर लिए जाएंगे इसलिए यह एहतियात करें आप जो खरीदारी करना चाहते हैं दुकानें खुल भी जाएं तो जो आज तक पॉलिसी आपने अपनाई है कि घर का कोई एक मर्द जिम्मेदार जाता है घर की वाजिबी जरूरतें खरीद कर वापस लौट उठाता है अब की बार एक मिसाली रमजान ऐसा भी आप दिखाएं कि हम समाज के सिलसिले में एक जिम्मेदार शहरी हम एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें कौम के लिए भी और हमारे अपने पूरे मुल्क के आवाम के लिए भी सबके लिए भी इस बात का हम और आप खास तौर पर ख्याल रखें इस तरह आपको अपनी सेहत की भी हिफाजत करनी है और दूसरी तरफ बदनामी जो आ सकती है उससे भी एहतियात करने की जरूरत है एक तीसरी बात खरीदारी के हवाले से यह भी कही जा रही है कि लॉकडाउन की यह मुद्दत बाज हजरा के मुताबिक दराज हो सकती है या अगर पूरी तरीके से इसको लॉकडाउन को खत्म ना भी किया जाए तो सिलसिलावार खत्म करते करते हो सकता है बाज हजरात का अंदाजा दो महीने तक भी जा सकती है बात तीन महीने तक लोगों के अपने अपने अंदाजे हैं इस तनाजुर में कुछ अहबाब का मशवरा ये है कुछ लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि ईद की खरीदारी में पैसा खूब खर्च कर, दे, कर देने के बाद के दिनों में परेशान होने से बचा जाए इसलिए आपकी बार खरीदारी न करके अपने पास मौजूद बेहतर कपड़ों पर गुजारा करें और आप अपना पैसा बचा कर रखें कि हालात कब तक, तक नॉर्मल होंगे इसका अंदाजा नहीं उनका यह मशवरा बहुत हद तक माकूल है आपके पास इस्तात कितनी है और आपके पास मसाइल क्या आ सकते हैं आपको अंदाजा है अपना फैसला आप ले सकते हैं लेकिन हम इस पहलू की तरफ तोज्जो जरूर दिलाना चाहेंगे कि इसकी इस, मुना, इस मुनासिबत से नया कपड़ा पहनने और नए कपड़ों की खरीदारी पे जितना आप खर्च कर रहे हैं उससे ज्यादा बेहतर यह है कि अगर आपका यही पैसा अगर आपका यही पैसा आप अगर जरूरतमंदों पर भी खर्च करने के लिए बाकी रखें तो ये बेहतर है अल्लाह ने आपको दिया है आप नया कपड़ा भी खरीद रहे हैं और दूसरे सारे इंतजाम कर रहे हैं अल्लाह बरकत दे आपके माल में आपने एक तरफ ईद की खुशी को भी बाकी रखने की कोशिश की दूसरी तरफ जरूरतमंदों की जरूरत का भी ख्याल रखा बहुत अच्छी बात लेकिन अगर कभी ऐसी सूरत तो है कि पैसे के खर्च हो जाने के बाद खुद को या आपके मुतालिकीन को या कम अज कम समाज के बाद जरूरतमंदों को पैसे की कमी हो सकती है मुश्किलात का सामना हो सकता है तो ऐसी सूरत में अपने आप को संभाल कर खरीदारी में एहतियात अगर आप करते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है यह कुछ गुजारिशात थी ईद की खरीदारी के हवाले से कि लॉकडाउन में ईद की खरीदारी हम करें कि ना करें आप समझदार लोग हैं आप किसी भी मसले को इशारे में समझते हैं हमने आपके सामने जितनी बातें रखी कोशिश की है कि सिर्फ इशारे में गुफ्तु करें हमारी इस गुफ्तगु से ज्यादा आपकी समझ पर भरोसा है अल्लाह तला से हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक आप हजरात और खुवान को सही समझबूत और सही फैसला लेने की तोहफी कतः फरमाएं और हमारी और आपकी इस ईद को अल्लाह तुशियों भरी ईद भी बनाए और किसी भी किस्म के फितरे या किसी भी किस्म की बदनामी से भी अल्लाह तला हम और आपकी हिफाजत फरमाएं आमीन واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته